एमआर अस्पताल से हुए बच्चा चोरी की वारदात में आए दिन नए मोड़ आ रहे हैं। अब शनिवार को इस मामले में संयुक्तागंज पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया, जिसकी सहायता से आरोपी महिला तक पहुंचा जा सके। एमआर अस्पताल से कुछ दिन पहले एक दिन का बच्चा चोरी हो गया था। वहीं पुलिस के डर से महिला चोर ने बच्चे को शुक्रवार को संयुक्तागंज थाने के गेट पर छोड़कर फरार हो गई थी। वहीं अब पुलिस द्वारा एक सीसीटीवी फुटेज वायरल किया जा रहा है, जिसमें आरोपी महिला बच्चे को थाने के बाहर छोड़कर जाते हुए नजर आ रही है। इसमें प्रथम दिन से ही हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास का प्रतिफल ये है कि इसमें इस तरीके से उसको लीक भी किया गया है, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य उसमें आरोपियों की धरपकड़ और उनको वैधानिक रूप से उनके ऊपर कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करना है। पूरी टीमें अभी भी उसी स्तर से काम कर रही हैं और हम बहुत जल्द उनको काउंटर करेंगे। महिला बेसिकली चेहरा मोरा से उसी तरह का प्रतीक हो रहा है, जब तक गिरफ्तार होने की कोई स्थिति स्पष्ट है। शहर में हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो जो उसके एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं उन सब पे वर्क कर रहे हैं और हम वो पहले दिन से ही कार्रवाई कर रहे हैं। चैलेंज है निश्चित रूप से और इस हम लोगों ने इसमें काफ़ी बड़ी सफलता प्राप्ति भी हुई कि रिकवरी हुई, वापस हम इसको गिरफ्तार करने में पूरे प्रयास। बच्चा चोर महिला की जानकारी देने वाले के लिए पुलिस ने पहले ही 20,000 का इनाम देने की घोषणा कर रखी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस वीडियो के माध्यम से पुलिस आरोपी महिला तक पहुंच पाती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।